नमस्कार दोस्तों, मैं राम कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज मैं शिक्षण कौशल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, मतलब जो वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है, स्टेनली का आदेश पत्र 1859 को लेकर आ गया हूँ। तो ये हमारे जो शिक्षण कौशल का टॉपिक है उसमें दिया गया था, तो मैंने इसको सोचा आपको पढ़ाना जरूरी है, यहाँ से प्रश्न बनने के चांसेस रहते हैं। तो अगर आप प्राइमरी सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन घंटी को भी दबा दें ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्त हम अपने सीधे टॉपिक पर चलते हैं। हमने शिक्षण कौशल के अंतर्गत एक वर्तमान भारतीय समाज प्रारंभिक शिक्षा को पढ़ रहे थे, उसके अंतर्गत मैंने पहली वीडियो उसका बनाया था, उसके अकॉर्डिंग सिलेबस क्या क्या, उसके मतलब क्या क्या टॉपिक उसके अंतर्गत आता है उसको बनाया था। उसमें मेरा एक ये टॉपिक था और इस टॉपिक को मुझे पढ़ाना महत्वपूर्ण था, तो मैंने समझा कि इसको पढ़ाना जरूरी है। छोटा टॉपिक है, ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, छोटा है, लेकिन यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो देखिए अब ये 1800 आदेश पत्र या आज्ञा पत्र कह सकते हैं 1859, हमने पिछली वीडियो जो है वुड डिस्पैच की बनाई, वुड डिस्पैच के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण बातें कही गई थी वुड के द्वारा उसको मैंने आपको बताया। आप उस वीडियो को नहीं देखे तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उस वीडियो में होता क्या है कि वहां से प्रश्न ज्यादा बनने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि उस वीडियो में शिक्षा के संबंध में सबसे ज्यादा सुधार किए गए थे प्राचीन स्थिति के अनुसार अगर देखा जाए तो। अब देखिए हर मतलब कि जो शिक्षा के सुधार के अंतर्गत 20 वर्षों में चार्टर एक्ट आता है, यानी कि 20 हर 20 वर्षों के बाद चार्टर एक्ट यानी कि आज्ञा आदेश पत्र आता था, लेकिन ये 5 वर्ष बाद ही आज्ञा पत्र या आदेश पत्र क्यों आ गया इसके कारण को भी जानते हैं और इसमें क्या क्या बातें कही गई थी उसको भी सुझाव को समझते हैं। तो पहली चीज समझिए कि जब हम वुड डिस्पैच पढ़ रहे थे उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई थी, जैसे कि वुड ने अपने सुझाव में रखा था कि स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, व्यापारिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए और शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान की व्यवस्था की जाए, विश्वविद्यालय शिक्षा की स्थापना की जाए। उसके बाद कहा गया था कि अनुदान प्रणाली की व्यवस्था किया जाए। तो ऐसे कई बातें जो महत्वपूर्ण बातें हैं वुड के सुझाव में दिया गया था, उसको मैंने पिछली वीडियो में बात किया था। उस सुझाव के आधार पर जो सुझाव दिए गए थे उसके अंतर्गत ये आगे चलकर एक 1859 में आदेश पत्र स्टेनली साहब ने दिया था। पहले कारण समझिए आया क्यों। देखिए 1857 में एक बहुत बड़ा स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह हुआ था जिसको 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। यह इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांति थी और भारत को आजाद कराने की यह सबसे पहली स्वतंत्रता थी, मतलब स्वतंत्रता का पहला प्रयास था। इस 1857 की क्रांति के अंतर्गत इतना भीषण मतलब उपद्रव किया गया कि जो ब्रिटिश कंपनी की शासन व्यवस्था हमारे देश पर था उसकी शासन व्यवस्था एकदम पूरी तरह से डगमगा गई थी, मतलब वो शासन करने योग्य नहीं रह गई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने जो कंपनी का अधिकार होता था उसको अपने अंतर्गत लेकर वो ब्रिटिश सरकार अब शासन को चलाने लगी थी। तो जब इस शासन को चलाने लगी थी तो उन्होंने क्या किया कि जब उनका शासन उनके अंतर्गत आ गया तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भारतीय शिक्षा के व्यवस्था में एक सुधार किया जाए और एक नया सुझाव लिया जाए किसी महान व्यक्ति से। तो उस सुझाव के लिए व्यक्ति को चुना गया, लॉर्ड स्टेनली को चुना गया। इनको कहा गया कि भैया आप ऐसी व्यवस्था करिए या ऐसी सुझाव दीजिए जिससे मैं भारतीय शिक्षा के व्यवस्था को और ऊपर बढ़ा सकते हैं। तो इनको जब ये सौंपा गया तो इन्होंने 1859 में अपना सुझाव पत्र दिया और उस सुझाव पत्र के अंतर्गत इन्होंने क्या किया कि सीधे सीधे तौर वुड डिस्पैच की जितनी भी बातें कही गई उसको अपने सुझाव में स्वीकारा और अपना भी सुझाव दिया था। उसी जो इन्होंने सुझाव दिया था उसी सुझाव को हमको पढ़ना है। तो अब चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। देखिए जब ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो शासन व्यवस्था थी वो ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत आती है तो उस समय लॉर्ड कैनिंग जो है प्रथम गवर्नर जनरल हुआ करते थे, लेकिन जब वो शासन व्यवस्था ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत आ जाती है तो वह गवर्नर जनरल का पद को हटाकर उसको वायस राय का पद बना दिया जाता है। तो अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और प्रथम वायस राय तो लॉर्ड कैनिंग का नाम आएगा, इतना चीज ध्यान रखिएगा।
अब देखिए, जब स्टैनली का आदेश पत्र 1859 में आया, तो इन्होंने कुछ सुझाव दिए थे। उस सुझाव के अंतर्गत पहली बातें हम समझते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद जो भी भारत की कंपनी का शासन हुआ करता था वो अब ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंतर्गत या अधीन हो गया था। मैंने ये पहले बात कर चुका। इन्होंने वुड डिस्पैच में जो भी शिक्षा के संदर्भ में जो भी बातें कही गई थी उसको इन्होंने स्वीकारा और कुछ अपना भी सुझाव दिया। मतलब वुड डिस्पैच में जो भी बातें कही गई थी उसको अपने सुझाव में स्वीकार कर लिया और थोड़ा बहुत अपना सुझाव दिया था। उसी सुझाव को हमको पढ़ना है। पहला इनका सुझाव था कि प्राथमिक शिक्षा को सरकार अपने हाथ में ले लेना चाहिए, मतलब प्राथमिक शिक्षा की जो व्यवस्था है उसको अपने अंदर कर लेना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा के लिए अपना पैसा न खर्च करे, लेकिन उच्च व माध्यमिक शिक्षा के लिए कर सकती है, मतलब पैसा खर्च कर सकती है सरकार। तो इन्होंने ये कहा था कि प्राथमिक शिक्षा के लिए वो पैसा नहीं खर्च करेगी, उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के लिए पैसा खर्च कर सकती है। तो प्राथमिक शिक्षा के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो इन्होंने कहा था कि प्राथमिक शिक्षा के लिए स्थानीय कर लगा दिया जाए, इनका ये सुझाव था। अब देखिए, इनका जितना भी सुझाव दिया गया ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, तो इसलिए इनके शिक्षा के सुझाव को स्टैनली के आदेश पत्र को प्राथमिक शिक्षा से संबंधित माना जाता है। तो अगर प्रश्न बने कि स्टैनली का आदेश पत्र या आज्ञा पत्र 1859 किससे संबंधित है, तो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। तो इतना मतलब महत्वपूर्ण टॉपिक था स्टैनली के आज्ञा पत्र में। अब जैसे जैसे मतलब इन्होंने इतना कहा था, जो भी महत्वपूर्ण बातें मैंने इसको लिखा, उसके बाद जैसे जैसे शिक्षा आगे बढ़ती गई, उसके बाद 1871 के समय लॉर्ड मेयर ने सभी शिक्षा आयोग को प्रांतीय सरकार के अधीन, मतलब जो प्रांतीय सरकार थी उसके अधीन कर दिया था लॉर्ड मेयर में। तो ये थे महत्वपूर्ण टॉपिक स्टैनली के आदेश पत्र 1859 का। अब जितना भी मैंने इनसे महत्वपूर्ण पॉइंट बनने वाले थे मैंने उसको अपलोड किया। ध्यान रखिएगा, वुड डिस्पैच में जो भी बातें कही गई थी उसको इन्होंने स्वीकारा था, उसके बाद थोड़ा बहुत प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में इन्होंने अपना सुझाव दिया था। तो ये था हमारा स्टैनली का आज्ञा पत्र। तो अगर ये वीडियो, ये हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब देखिए, हमारा अगली वीडियो जो आएगी वह हंटर आयोग से संबंधित आएगी। हंटर आयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, वहां से हर साल प्रश्न बनते हैं, तो उस टॉपिक को हम पूरी डिटेल में समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये हमारा इंस्टाग्राम है, रामू याद के नाम से, वन के नाम से, इस पर आप जाकर हमें फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर मैं बहुत से इंस्टाग्राम फोटो डालता रहता हूँ शिक्षा से संबंधित, जितने भी मतलब जूनियर प्राथमिक सुपर टेट से संबंधित जितने भी हमारे पर पीडीएफ होता है उसका मैं इस पर अपलोड करता रहता हूँ। तो आप इस इंस्टाग्राम को हमारे फॉलो करें। तो चलिए दोस्त, वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।